जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको फ्लूट का बेसिक, सारेगामापा और इसका लो पिच हाई पिच कोमल तीव्र हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कीबोर्ड पे आपको लो पिच हाई पिच मिडिल पिच बताया था, कोमल तीव्र शुद्ध स्वर। देखिए फ्लूट आप आसानी से बजाना सीख सकते हैं और ये बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध होती है। 200-300 रुपए में कहीं से भी आपको फ्लूट अवेलेबल हो जाएगी, बांसुरी, और इसको आप बना भी सकते हैं। ये देखिए ये बैम्बो फ्लूट है, ये पीवीसी पाइप से इसका मेजरमेंट करके आप बना सकते हैं अपने घर पे भी। तो आइए हम आपको, फ्लूट में ये ही है कि आपको हर स्केल के लिए अलग फ्लूट चाहिए, बहुत सारी, वो आगे की बात है। बट हम सबसे पहले जो हमारा जो सी और सी शार्प है, ये जी और जी शार्प बेस की फ्लूट हम बच्चों के लिए, जो सीखने वाले लर्नर्स हैं वहाँ के लिए हम बताते हैं आपको कि ये जो हमारा हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे जो फर्स्ट स्वर है सा, उसी से ये मैच करती हुई वो सेम स्वर की फ्लूट है। ये जो सी शार्प हमने इसको सेलेक्ट किया है, तो ये इसमें हम सारे गामा पा धा नि सा कैसे बजाएंगे वो इस वीडियो का बार बार देखें। आपके पास एक फ्लूट नहीं है तो कोई भी पाइप ले लें आप और इस तरह से 6 होल इस पे मार्कर से आप सिर्फ बना लें प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम आपके हाथ में बांसुरी देंगे तो आपको वो पता होना चाहिए कि सारे गामा कहाँ पे है और कैसे बजता है। ये देखिए इस तरह से, ये फ्रंट जो फ्लूट होती है वो इस तरह से होती है, ये साइड फ्लूट है तो इस तरह से हम इसको ये रखेंगे। तो हम इसका सिर्फ सारे गामा पा धा नि सा और कोमल तीव्र लो पिच हाई पिच आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो ओनली 6 होल हैं इसी में हम, इसमें देखिए आप जो 3 स्केल हैं 36 वो कैसे आप बजाएंगे, 36 कीज इसमें आप कैसे बजाएंगे। 36 तो नहीं बजा सकते लेकिन हम तीनों स्केलों के स्वर इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए ये जब हम सा बजाएंगे जो ऊपर इसका, देखिए हम आपको फ्लो बता देते हैं, ये है ये इसका इसका असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से होता है और ये डिसेंडिंग, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम, ये आरोह है अवरोह है। इधर से स्वर चलेंगे तो आवाज़ ऊपर होती जाएगी और इधर स्वर जाएंगे तो आवाज़ नीचे होती जाएगी, इसलिए हम आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर ही बताते हैं। ये बढ़ता हुआ क्रम आरोह, ये अवरोह, ठीक है। अब आइए हम आपको सीधा सरगम बताते हैं। ये 3 होल ब्लॉक करेंगे और हम इस फ्लूट पे हम फ्लो करेंगे तो ये आपका सा बजेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सा है। अब हम आगे जब स्केल बढ़ाते हैं तो रे गा मा पा धा नि सा इसमें कैसे बजेंगे, तो देखिए ये वाला फिंगर हम इसको ऊपर करेंगे तो इसको हम इसको ओपन करेंगे। इसके 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करना है, आप राइट हैं लेफ्टी हैं, आप कौन सा हाथ ऊपर रखते हैं कौन सा नीचे ये आपकी सुविधा पे है, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो जो एक 3 फिंगर हैं, 3 फिंगर हैं, ये मिडिल वाले जो लो, ये जो नीचे के स्वर हैं 3 और नीचे के स्वर हैं ऊपर, तो ऊपर के जो नीचे के स्वर तीनों ओपन रहेंगे तो ये हमारा सा होगा। इसके बाद हम चलेंगे, इसको ओपन करते जाएंगे तो ये रे होगा, ये ग होगा और माँ के लिए हम इसको हाफ नोट, फुल नहीं ओपन करेंगे, ये देखिए हाफ नोट, इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये हमारा शुद्ध माँ बजेगा। उसके बाद हम फुल क्लोज है, ये सारे स्वर बंद हैं। अब पा बजाने के लिए हमें हमारा जो फ्लो है, जो प्रेशर है हवा डालने का, उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो प्लस करना पड़ेगा, जिससे हमें हमारा पा बजेगा।
इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फ्लो की जरूरत पड़ेगी, हमें तेज आवाज, तेज हवा से इसको पा, और उसके बाद ये धा और ये नी और ये सा, जहां से चले थे हम वहीं पहुंच गए, ये सा। अब ये सोचने वाले बात है, ये वाला जो सा हम तेज प्रेशर से बजाएंगे तो ये हाई पिच का सा यहाँ पे होगा। फिर से समझिए, हम फ्लो को नॉर्मल रखेंगे, देखिए ये मिडिल पिच का सा है, ये हाई पिच का सा है, तो यहाँ से हम चलेंगे सा रे गा और हाफ नोट मा, हल्का सा ऊपर उठाएंगे मा, फिर हमारे ये पा। अब पा के लिए हमें फूंक ज्यादा देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, पा धा नी और सा, ये हाई पिच का सा। अब ये है आपका मिडल पिच। मिडल पिच का जो हमने सारे गामा पा धा नी सा बताया, उसमें हमने आपको एक नोट बताया था कि हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे स्वर पे, ये हाई पिच का सा यहीं से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए हमें हमारी जो जो फूकने की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से ऊपर हम चलेंगे, स्वर वही रहेंगे सा रे गा मा, लेकिन ये हाई पिच के हो जाएंगे। देखिए हमारे पास ये हाई पिच के तीन स्वर होंगे, और उसी तरह से अगर हम उसी उसी स्वर को उल्टा चल देंगे, और अब इसमें हम फ्लू कम करेंगे, हवा कम फूकेंगे और बिल्कुल पैशन के साथ धीरे से, तो ये हमारा लो पिच का सा है, मिडिल पिच का तो ये नी धा और पा। बस उसी तरह से हमारे को तीन स्वर लो पिच के मिलेंगे इसमें, और तीन स्वर हाई पिच के, और हाई पिच के स्वरों को और भी हम ऊपर बजाते जाते हैं उसमें स्वर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसलिए हमें उसको स्केल चेंज करने के लिए दूसरी फ्लूट लेनी पड़ेगी। तो हमें तीन स्वर इसके लो पिच के इसमें मिले हैं, और तीन स्वर ऊपर, चार स्वर हाई पिच के ये मिले हैं। तो इन सब मिडल पिच लो पिच हाई पिच को मिला करके हम गाना बजाते हैं। एक बार देखिए, हम आपको लो पिच बताते हैं इसमें। सा ने धा पा, ये मोटी आवाज जो हम नीचे की तरफ गए हैं, और ये लो पिच है, और यहाँ पे आने के बाद हमारा मिडिल पिच शुरू हो जाता है। मिडिल पिच बजाते बजाते हम हाई पिच के सा पे पहुंचते हैं, ये स्वर हाई पिच के हैं, जो हम तीखी आवाज ऊंचे लेवल पे जो तार सप्तक है उसके लिए हमें हमारी फूंक को तेज करना पड़ेगा। तो ये एक बार मिडल पिच फिर से बताते हैं आपको। ये मिडिल पिच है, और ऊपर जाएंगे तो हम उसी प्लस करते जाएंगे हमारी हवा को, प्रेशर को, और ये सारे गामा हाई पिच के, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे धीरे आवाज में स्लो में, तो वो लो पिच हो जाएगा, लो पिच मिडिल पिच हाई पिच। अब हम आपको इसमें कोमल तीव्र स्वर, जैसे उसमें स्केल एक स्वर में जो हमने बताए थे आपको कि एक सप्तक में एक ऑक्टिव में 12 स्वर, तो इसमें वो 12 स्वर कहाँ पे होंगे, कैसे बजेंगे। तो देखिए, हमने एक माँ के लिए आपको हाफ नोट बताया है कि माँ को आधा उठा के बजाएंगे तो वो शुद्ध माँ बजेगा, और फुल उसको हटा देंगे तो हम उसको वो तीव्र माँ कहा जाएगा, एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो इसमें जो हम हाफ नोट कर देंगे तो वो कोमल स्वर कहेगा। जैसे हमें कोमल रे बजाना है तो हम रे को फुल नहीं उठाएंगे, इसको हाफ उठाएंगे। तो देखिए, सारे इसको हाफ हाफ नोट, इस पर रे को हाफ रखेंगे तो ये कोमल रे हो जाएगा। इसी तरह से गा है, गा को हम फुल गा को हाफ नोट कर देंगे तो ये कोमल गा हो जाएगा। उसी तरह से माँ हमारा पहले से ही हाफ नोट है तो ये शुद्ध माँ है, और उसके बाद तो हाफ नोट करेंगे तो ये शुद्ध माँ है, फुल हटा देंगे तो ये तीव्र माँ है। उसके बाद हम चलते हैं पापे। हमने पहले बताया था सा और पा का कोई कोमल तीव्र नहीं होता, तो सा सा ही होता है और पा पा ही होता है। पा के बाद हम धा,
हमें कोमल धा बजाना होगा, तो इस धा को फुल्ली नहीं करके कोमल धा के लिए हाफ नोट थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये कोमल धा होगा। और फुल उठा देंगे तो ये शुद्ध धा। उसी तरह से हमारा कोमल नी है, थोड़ा सा हम इसको हाफ नोट देंगे तो कोमल नी है, फुल उठाएंगे तो ये शुद्ध नी है। और उसके बाद हमारा ये हाई पिच का सा यहाँ से शुरू हो जाता है, फुल ही हटा देंगे तो ये हाई पिच का सा। उसी प्रकार से हम हाई पिच पे चले जाएंगे तो ये हाई पिच का रे गा और मा उसी तरह से बजेगा। और हाफ नोट्स देंगे तो वो कोमल कहा जाएगा, और माँ के लिए है कि हम उसको ओपन ओपन फुल्ली कर देंगे तो ये तीव्र माँ कहा जाएगा। जिसको इसमें तीनों पिच के बारे में समझ में आ गया है और कोमल तीव्र समझ में आ गया, वो कोई भी गाने हमारे साथ बजा सकता है। जैसे ही हम नोटेशन लिख के देंगे तो वो बच्चे कोई भी गाना बजा सकते हैं। तो आप अपने मन में ये डिसाइड कर लें कि हमें फ्लूट पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ही सबसे कम पैसे का इंस्ट्रूमेंट है आज के दिन। और ये आप इस पे घर पे भी बना दे सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता दें, पीवीसी भी बहुत उपलब्ध है बहुत कम पैसे में, और ये ड्यूरेशन फ्लूट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एक फिगर प्लास्टिक का ऐसा या पाइप रोल बना करके या पेपर रोल बना करके उस पे 6 होल करके उसको सारे गामा की प्रैक्टिस आप करेंगे। जय हिंद, जय भारत।